स्वागत है जी एक बार तो फिर थोड़े अपने यूट्यूब चैनल दे विच अपनी अज्जी नैक्सट क्लास है पंजाबी पैडागोगी नाल सी अपनी क्लासा आओ स्टार्ट करते हैं अपनी अज्जी नैक्सट वीडियो। जेकर तुसीं हले भी साडे चैनल नूं सबसक्राइब नहीं कीता तां सब तो पहला साडे चैनल नूं सबसक्राइब करो। प्लेलिस्ट दे विच जा के तुसीं जो पिछे वीडियो बन चुकी है तुसीं उन्हां नूं देख सकते हो। तो इस तों इलावा जेकर तुसीं किसी होर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मन्निया कि हुण लॉकडाउन चल रहा कोई पेपर एग्जाम नहीं हो रहा ना जिवें आपां कल गल कीती सी, पर जदों ही लॉकडाउन खत्म होगा एकदम ही सारे एग्जाम होणगे तां जरूरी हुंदा कि जिहड़ी तैयारी हुंदी आपां प्रॉपर डे बाई डे नाल दी नाल करदे रहिए। चलो स्टार्ट करते हैं अपनी अज्ज नैक्सट वीडियो। तो फस्ट क्वेश्चन है पंजाबी पैडागोगी सी अपनी विद्यार्थियों दीयां प्राप्तियां दा मापन करने लई हेठ दित्तियां विधियां विच्चों केड़ी मापन की विधि नहीं है। स्टूडेंट की प्राप्तियां दा आप जेकर निरीक्षण करना है तो उन्हां वास्ते हेठ जिहड़ी विधियां दित्तियां होईयां नेगियां उन्हां विच्चों केड़ी विधि जो मापन लई नहीं है। इंटरव्यू, निरीक्षण, प्रश्नावली या लक्षण मिलान। इसका जो राइट आंसर बनता जी अपना वह गया नंबर चार लक्षण मिलान, क्योंकि इंटरव्यू राही भी की हुंदा गा जिहड़ी आप कह सकते हैं कि मापन जां आप कह सकते विद्यार्थी जी प्राप्तियों की मापन विधि का भाव की हो गया। इंटरव्यू के अजे क्वेश्चन किए हैं जिहदे राही की हुंदा बच्चों देखा जाता ना मैंटल लैवल देखा जाता जां किसी तरह भी देख सकते आप। इस तो इलावा निरीक्षण हो गया, निरीक्षण का मतलब की हो गया जेकर आप बच्चे कोई काम दें जो आप मान लीए आप बी एड के पढ़ चुके हैं ना ये चीज़ा निरीक्षण विधि किस तरह होगी जिद आप बच्चे कोई काम दें पर उसको पता नहीं होंगे कि अपने तो यह काम करवाया जा रहा है तो आप करते उसको नोट कर रहे हैं डे बाय डे है ना वो चीज़ होगी। तो क्वेश्चन हो गए वो चीज़ भी होगी जोड़े लक्षण मिलान ये चीज़ नहीं होंगी क्योंकि आप एक दूसरे बच्चे के जोड़े गुण होंगे उन्होंने कदम भी नहीं बुलाते क्योंकि दो बच्चे कदम भी आपस के इको जी परसनैलिटी तो नहीं हो सकते हमेशा ही अलग अलग होंगे ने यह चीज़ नहीं हो सकती। नैक्सट वाचन सिक्ख्या का उद्देश की है। वाचन पढ़न के कौशल, बोलन के कौशल, लिखत के कौशल या उपरोक्त सारी। इसका जो राइट आंसर बनता जी अपना वो नंबर एक पढ़न के कौशल। वाचन का उद्देश की है पढ़न के कौशल क्योंकि वाचन का मतलब की हुंदा गा पढ़ना ही हुंदा। नैक्सट हेठ लिखिया विच्चों बच्चों के बोलचाल कौशल के सुधार लई सब तो योग साधन केड़ा है। हेठ लिखिया विच्चों बच्चों की जेकर आप बोलचाल नूं सुधारना गा तो सब तो जिहड़ी बेस्ट मैथड आ वो केड़ा गा गद ते नाटक नूं उच्ची आवाज़ विच पढ़ना। गद गद दा भाव की हुंदी जी कविता हुंदी ना दो तरह की हुंदी ना ही गद ते नाटक नूं उच्ची आवाज़ विच पढ़ना। मौखिक भाषा वध तो वध बोलना, वाद विवाद ग्रुप डिस्कशन होगी जिहड़ी गुट विचार ते पिछों रोल खेडने भाव कि नाटक देना है ना एक बच्चे नूं जिवें आप प्ले वे मैथड द्वारा कह सकते हैं ये प्ले ही हो गई। देखो एक जिदा आप बच्चे तो कोई नाटक करवाने सिंगर दे विच ग्रुप दे विच है ना अलग अलग आप बच्चे नूं करैक्टर देने तो उस करैक्टर के हिसाब न बच्चे की करते हैं अपने आप नूं ढालते हैं उस चीज़ के विच भी की होंगे बोलते हैं ना वो अपने करैक्टर वो चीज़ होगी जां इन्हां विचों कोई भी नहीं। इसका जो राइट आंसर बनता जी अपना वह हो गया नंबर तीन वाद विवाद ग्रुप विचार ते पिछों रोल खेडने सब तो ज़्यादा बेस्ट मैथड हो गया है जिहड़ा बोलचाल के कौशल नूं सुधारदा। नैक्सट प्रभावशाली सीखण उदों वापरदा है जदों विद्यार्थी जिहड़ी एक प्रभावशाली टीचिंग हो गया जे सीखना हो गया कदों बेस्ट तरीके निखरदा जां सही आपदे पड़ा ते पहुँचदा जदों स्टूडेंट चुप हुंदे हन सुस्त हुंदे हन अंतर क्रिया करदे हन भाव के अंदर ही अंदर की करते हैं सोचते हैं तो पढ़ते हैं तो प्रीख्या की तैयारी करते हैं। इसका जो राइट आंसर बनता जी अपना क्वेश्चन का वो हो गया नंबर तीन अंतर क्रिया करते हैं क्योंकि यह नहीं होंगे जेकर आप क्लास के रौला पाई जावे है ना बच्चों के पर उपर दी लंघ रहा सारा कुछ मान लो जी अजकल मैं एक हूँ छोटी तुम एक एग्जाम्पल दी आप मैथ शुरू तो पढ़ते आए हैं सारे मैथ के जी अपने क्वेश्चन होंगे सी ना कोस थीटा साइन इन्हें नाम भी नहीं मैंने सही आते क्योंकि मेरा कदम इंट्रस्ट रही नहीं मैथ के चीज़ें की जेकर आप गल करिए है ना जे आप रोज़ाना जिंदगी देखिए कि अपने वो वर्तन आते हैं कभी भी नहीं आगे वह चीज़ा क्योंकि वह की होंगे एक अजि चीज़ होंगी है बच्चों के उपर जी जबरदस्ती की कीती थोपी जाती है कि पढ़ना ही पढ़ना सिलेबस के है ही पढ़ना
ਜਿੰਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਲੰਘਦੀ ਇਹੋ ਚੀਜ਼, ਹੈ ਨਾ, ਉੱਪਰ ਦੀ ਲੰਘਦੀ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਰੀਖਣ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਈਏ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਨ, ਆਪਦੀ ਰੁਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇ, ਥੋਪਣਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਦੀ ਜਦੋਂ ਰੁਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਤਰ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ, ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਖੁਦ ਖੁਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਿੱਖਣ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਨੈਕਸਟ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2009 ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਕਾਸ ਉਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਈ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਬਣਿਆ 2009 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਕਾਸ ਉਦੇਸ਼, ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਹਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਉੱਤਮਤਾ ਲਈ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣੀ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਬਣਦਾ ਜੀ ਆਪਣਾ 52 ਨੰਬਰ ਕੁਸਚਨ ਦਾ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਨੰਬਰ 1, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਹਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ। ਨੈਕਸਟ, ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਲਾਸ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੁੰਦਾ, ਸਿੰਬਲ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਟੀਚਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਸ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਟੀਚਰ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸਾਰੂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਬਣਦਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕੁਸਚਨ ਦਾ 53 ਨੰਬਰ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ 4 ਨੰਬਰ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਉਸਾਰੂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਟੀਚਰ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਯੋਗਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਰੁੱਝੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਸੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਤਪਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਟੰਗ ਹੈਗੀ, ਕੀ ਆਪਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੜਕ ਕੇ ਬੋਲਾਂਗੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਮਦਰ ਟੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਫਸਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਬੋਲਦੇ, ਪੂਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਅੜਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੁਣੇਣ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਉਸਾਰੂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ। ਨੈਕਸਟ, ਨਾਟਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਿਧੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਨਾਟਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ, ਨਾਟਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਸਚਨ ਪੁੱਛਣੇ, ਮੰਚ ਉੱਪਰ ਖੇਡਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਾਟਕ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅਤੇ ਵਿਆਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਇਸਦਾ ਆਂਸਰ ਬਣਦਾ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਨੰਬਰ 2। ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਬੁੱਕ ਦੇ ਥਰੂ ਪੜ੍ਹਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਲਈ ਬੁੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਣੇ 30-35 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਓ 20 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ 20 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਚਲੋ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਆਹ ਨਾਟਕ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਵਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਣ, ਉਸ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰੋਲ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨਾਟਕ ਦਾ ਕੀ ਕਰਵਾਈਏ, ਉਸ ਨਾਟਕ ਨੂੰ ਖੜਾਈਏ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕੇ, ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੰਟਾ ਜਾਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਅੱਧੇ ਕੁ ਘੰਟੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਕੀ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚੇ ਚਿਰ ਸਥਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਨੈਕਸਟ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਉਮਰ, ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ, ਬੁੱਧੀ ਜਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਰਕ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਇਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਨੰਬਰ 2, ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ। ਨੈਕਸਟ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਧੁਨੀ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਹੋਣਾ, ਧੁਨੀ ਦਾ ਅਤਿ ਅਧਿਕ ਤੀਬਰ ਹੋਣਾ, ਧੁਨੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਸਥਾਪਨ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਧੁਨੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਟੋਪਿਕ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ, ਧੁਨੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਸਾਊਂਡ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਧੁਨੀ। ਇਸਦਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਬਣਦਾ ਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨੰਬਰ 3, ਧੁਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਥਾਪਨ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਨੈਕਸਟ,
अध्यापक नूं सुचारू ढंग नाल चलाउण लई अध्यापक नूं वध तों वध प्रश्न पुछणे चाहीदे हन क्योंकि इस नाल की हुंदा श्रेणी विच अनुशासन बणिया रहिंदा। क्लास विच विद्यार्थी नूं आत्म प्रगटा दा मौका मिलदा रहिंदा, अध्यापक नूं स्वै प्रगटा दा मौका मिलदा जां कोई भी नहीं। इस दा जिहड़ा राइट आंसर बणदा जी क्वेश्चन दा हो गया नंबर दो, विद्यार्थियों नूं आत्म प्रगटा दा मौका मिलदा रहिंदा। क्यों मिलदा रहिंदा? हुण जदों आपां बच्चे नूं कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं है ना, जेकर आपां लगातार पढ़ाई ही जावांगे की हुंदा, बच्चे बोर होण लग जांदे नहीं, इंट्रस्ट ही नहीं बनता। पर नाल नाल जेकर आपां थोड़ा थोड़ा पढ़ाई जावांगे हासी मजाक दे नाल, यही हैगा ज़्यादा स्टिक हो के है ना, आपां भी बहुत ज़्यादा उन्हां नूं ध्यान ही नहीं देईए उन्हां पर, ज़्यादा हार्ड ढंग दे नाल पुछांगे वो कदे भी नहीं दस सकणगे। प्यार नाल जेकर आपां उन्हां पुछांगे चलो बच्चे इन्ना क टॉपिक हो गया, हुण दसो तुसीं खड़े हो के भी आपां ने की पढ़िया है ना, जिस दे ये हुण की होना चाहिए गा, तां बच्चे की करदे ने उस चीज़ ते ध्यान भी रखदे ने ते इंट्रस्ट नाल उस चीज़ नूं सुणदे भी ने ते पढ़दे भी ने। हरेक भाषा श्रेणी कमरे में आम तौर पर ब्लैकबोर्ड का आकार कितना होना चाहिए? देखो जिहड़ी क्लासरूम दे विच ब्लैकबोर्ड हुंदा उसका आकार कितना होना चाहिए गा। इस क्वेश्चन का जिहड़ा राइट आंसर बनता जी वो नंबर तीन। नैक्सट, लिखित रचना की महत्ता क्यों है? लिखित रचना की जिहड़ी लिखित रचना हुंदी है ना उहदी महत्ता क्यों? व्यक्ति नूं अपने विचार प्रगटाउण लई किसी भी गल का हमेशा याद रखने लई, किसी भी गल नूं विद्यार्थी नूं मुलांकण कर लई या उपरोक्त सारे कारणां लई। इसका जिहड़ा राइट आंसर बनता जी वह हो गया नंबर एक, विद्यार्थियों नूं अपने विचार प्रगटाउण लई। नैक्सट, बच्चे नूं टेढ़ियां मेढ़ियां लकीरां जो छोटे बच्चे होंदे ने है ना वो टेढ़ी मेढ़ी लकीर मार देने इस तरह ज इस तरह किसी तरह ही मारती हैं, बिल्कुल नहीं मार देनी चाहिए, लिखाई खराब होंदी है, मान नहीं देनी चाहिए, इस ना उंगलों की कसरत होंदी है, ज मार देनी चाहिए हैं, मार तो सख्ती नाल रोकना चाहिए है। इसका की आंसर बनेगा? इसका जो राइट आंसर बनता वो नंबर तीन, बच्चों जो टेढ़िया मेढ़ी लकीर ने मार देनी चाहिए क्योंकि इस ना उंगलों की कसरत बनती है, क्योंकि जी अपनी सब तो ज़्यादा पकड़ होंगी है वो लिखण के पूरे हाथ की बात चो बनती है, सब तो पहले किस चीज़ की बनती है? अपनी फिंगर की बनती है, उंगलों की बनती है। जेकर उन्होंने ही नहीं कसरत होगी तो पूरा हाथ कदे भी नहीं कंट्रोल में आ सकता। सो उम्मीद है तुम्हें साड़ी अज्ज की वीडियो पसंद है, उस तो बहुत लाइक शेयर तो कमेंट जरूर करना, अच्छे क्वेश्चन इन्ने के सी पर उम्मीद है कि तुम बहुत प्यार दे रहे हो साड़ी वीडियो में। कल एक बच्चे ने कमेंट करके कहा कि मैडम जी पंजाबी की व्याकरण तुम उन्होंने क्लास लो, वैसे तो जी पंजाबी की व्याकरण वो सर ने सारी वीडियोज़ से तकरीबन बना के पा रखी ने, पर जेकर तुम इन्नी कह रहे होंगे तो सर ना गल करके जरूर इसका कोई ना कोई ढंग जरूर लभांगे, उपाय तुम दसांगे। सो उम्मीद है वो तो वो लाइक शेयर तो कमेंट जरूर करना, सानू भी खुशी होंगी जो तुम कमेंट ना सानू कुछ दसते हो, सब कुछ पूछते हो, सो ये भी थोड़ी कोशिश है जी पूरी की जाएगी। थैंक यू।